हाँ अब सबको जय जीशु जय जीशु। आदरणीय बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण, माता पिताओं और भाई और बहनों, मेरे नाम मारिया गुरती आयन कुजूर है। मैं हुकराजुली पारिस भागलपुर मंडली की निवासी हूँ और मैं संत मारिया गुरुति एसीसी ग्रुप की सदस्य हूँ। मैं आप सबों को आज की एसीसी प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जैसे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी संकट से गुजर रहे हैं, हम आज का इस प्रार्थना सभा में ईश्वर से निवेदन करेंगे कि हम सबों को ये महामारी से सुरक्षित रखे और जो कोई बीमार में पीड़ित है उन सबों को चंगाई प्रदान करें। आइए हम सब मिलकर विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना करें। अब हम अंदरूस विनती करेंगे। क्रूस का चिन्ह प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्यत स्त्रियों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझ में बुरा हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्यत स्त्रियों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मंडली के समय आमीन। और सब देहबाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्यत स्त्रियों में और धनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, प्रार्थना कर हे परमेश्वर हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र किसके देहधारण जान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्ट के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उसी हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जय स्वामी नित्य अनंत। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जय स्वामी नित्य अनंत। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। जय स्वामी नित्य अनंत। आमीन। ये समय पवित्र समय है, प्रभु के वचन के द्वारा हम उपस्थित होंगे और हम उनको स्वागत करेंगे और अनुभव करेंगे। आइए हम वीडियो नाच द्वारा प्रभु को स्वागत करें। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा
दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। सबों को जय यीशु, जय यीशु। मैं निर्णुष तिर्की उपराजुली पारिस का मजगा मंडली के सेंट तेरेसा एससी ग्रुप का सदस्य हूँ। अभी मैं प्रभु का सुसमाचार पढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं सुसमाचार को पढ़ता हूँ, वैसा ही आप लोग कुछ शब्द या वाक्य को चुन ले, जैसे कि आप लोगों की मान को छू जाता है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 तक। भोलेपन की प्रशंसा। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र से प्रकट करने की बात। अभी थोड़े समय मौन रहकर जो भी शब्द या वाक्य को चुना है उन पर मनन चिंतन करें।
सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं विजय टोप्पो उपराजुली परिस के अंतर्गत अगरपुर मंडी का निवासी हूँ और संत बेनेडिक्ट एससी ग्रुप का सदस्य हूँ। स्वर्ग और विश्व मंडल के प्रभु आज के पाठ से मुझे सिखाते हैं कि सुसमाचार को साक्षी देता हूँ। पाठ के आधार से स्तुति पाठ से चुन लेता हूँ। प्रभु दीन दुखी मनुष्यों को हर प्रकार बीमार से सहायता करता है, जैसे कि लंगड़ों को पांव दिया, अंधे को आंख दिया और कोढ़ियों को सूत किया। प्रभु ईश्वर साधारण मनुष्यों को प्यार करता है, जैसा कि सिमोन और अंद्रियास साधारण और मछुआ थे। एक दिन सिमोन और अंद्रियास समुद्र में जाल से मछली पकड़ रहे थे। उसी समय प्रभु समुद्र के ओर से जा रहा था। सिमोन और अंद्रियास को मछली पकड़ने देखा। प्रभु उन्होंने से कहा, मछली पकड़ने के बदले मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को मनुष्यों को पकड़ने के मछुआ बनाऊंगा। इससे मुझे प्रभु ईश्वर सिखाता है कि सिमोन और अंद्रियास की जैसा प्रभु पर विश्वास बनो, प्रभु के साथ द्वारा जीने सिखाते हैं। सिमोन अंद्रियास जैसा प्रभु का शिष्य बनने की प्रेरणा मिलता है। मुझे प्रभु पर दृढ़ विश्वास बनने की प्रार्थना के सिखाते हैं। प्रभु ईश्वर कहते हैं कि अपना सांसारिक जीवन का सारा धन संपत्ति को लोभ लालच को छोड़कर प्रभु के पीछे होना सिखाते हैं। जैसा कि सिमोन अंद्रियास प्रभु की आवाज सुनते ही प्रभु की जाल को छोड़कर पीछे हो लिया। सिमोन अंद्रियास दोनों साधारण और मछुआ थे, पर दोनों प्रभु का शिष्य बन गए। किंतु प्रभु धनी ज्ञानी समझदारों को खाली हाथ लौटा दिया। लुकास के पाठ से प्रथम अध्याय पाठ संख्या 53 में प्रभु ने दरिद्रों को संपन्न किया और धनी ज्ञानी और समझदारों को खाली हाथ लौटा दिया। आज हम लोग देख रहे हैं कि विश्व में महामारी कोरोना बीमार फैल गए हैं। इस कारण से नुआस के दिनों को याद आते हैं। कारण उस समय ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचार हिंसा और पाप बढ़ गए थे। ईश्वर ने देखा संसार भ्रष्टाचार शरीरधारी और व्यभिचार कुकर्म फैल गए हैं। इसलिए ईश्वर ने नुआस के दिनों में पापी मनुष्यों को विनाश करने का संकल्प किया और जल प्रलय के द्वारा सारे पापी मनुष्यों को नाश कर दिया। किंतु निवास सूत और प्रभु भक्त थे, इसलिए निवास के परिवारों को ही बचाया। मैं इस पाठ की स्तुति शब्दों को चुनना चाहता हूं। प्रणमय एक दिन सपना में एक रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ता के किनारे तीन महिलाएं सफेद कपड़े पहने हुए बैठी थी। मैं उसी समय जा पहुंचा। मेरे गाले में चोट लगा था और गाले से खून निकल रहा था। तीनों महिलाएं पट्टी बांधकर मुझे सहायता किया। जब मैं सुबह उठा तो गाले में बहुत दर्द होता रहा। इतना दर्द था पानी पीने में भी मुश्किल होता था। उसी क्षण में वचन धारा में चंगाई के बारे में मिला था। उस पाठ से हमें सिखाते हैं जैसे भी भारी बीमार ना हो, श्रोत्रांग की 91-90 प्रभु के छत्रछाया पाठों को रात की 9 बजे दोहराते हुए 9 बार पढ़ने की आदेश दिया था। मैं हर रोज 9 बजे रात को 9 बार पढ़ते थे। जैसा 9 दिन होने लगा उस दास से चंगाई की महसूस हुआ। इसलिए प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और प्रभु की स्तुति हो।
धन्यवाद। जय यीशु, जय यीशु। माननीय तेजपुर धर्म प्रांतर बिशप स्वामी श्री माइकेल आकाशीष टप्प, माननीय उत्तर पूर्वा अंचल एसिसी कमिशनार सकल सदस्य सकल और समूह फादर सिस्टर प्रसाद एसिसी ग्रुप मोर मरम मा देता भाई भनी सकुके जय जीशु, जय जीशु। मैं उग्रजुली पेरिशर मुख्य प्रचार हूँ। मोर नाम श्रीयुत जूनियर एक्का। मैं उग्रजुली माजगांव मंडल सेन्ट्रेसा एसिसी ग्रुपर एजन सदस्य हूँ। आज मैं एसिसी हो उग्रजुली पेरिश हो रिपोर्ट दुलाई एसिसी गिरजा सप्ताह एदिन ग्रुपबूरे एगर जमा है और एन बेदी बनाय मोमबाती धूप काटी बाइबल और फुलर माला रखा है। गिरजा बाइबल पाठ करा है। प्रत्येक जने दुई तीन बार पाठ तो बाछी लुआ शब्दबूर पढ़ा है और भाल लगा शब्दबूर किहर बाबे भाल लागिन ताक बुझाई बुझाई दिबो लागे। एसिसी गिरजा हुआर परा मानु बिलाकर माजत मोकामिला मरम सेने आदान प्रदान होय थाके। मानुबुरे कारोबार घर बेमार आजार हले नबेना करे धान रुआ धान कटा जिकोनो काम सहाय सहयोग आग बढ़ाय। कारोबार मृत्यु हले नबेना गिरजा नदिन करी सहाय करे। डांगर प्रोग्राम बिलाकतो एसिसी दायित्व लई गिरजार परा आदि करी साफ चिकन नाच गान डेकोरेशन आदि सब एसिसी ग्रुपे करे। मुनिका दिवस एसिसी दायित्व बहन करे करी खुआ बुआ और गिरजा आदि चलाय। स्कूल आदि ट्यूशन हिसाबे पाठदान दिए। भुग्रजुली पेरिस होय एसिसी ट्रेनिंग बहुत बार बहुत जगत ग्रुपबूरे भाग लैसे। पेरिशत सप्ताहिक गिरजात साफ चिकुण गिरजात नाच गान मिसा परिचालना कर सहाय करे करा है। एसिसी ग्रुपबूरे पेरिशत नानान काम सहाय आग बढ़ा है। एसिसी तेजपुर डायसिस होय भुग्रजुली माजगांव मंडलीर सेन्ट्रेसा ग्रुपर सदस्य श्रीजुत ब्रेनजेन खाखार छी निकित खाखार ब्रेन ब्रेन ट्यूमार हुआ चिकित्सा करी ताइक जीवन दान दिए एसिसी ग्रुपे। भुग्रजुली एसिसी ग्रुपबूर माधोपुर बनगांव मंडलित एखन रेलित एदिनिया कार्यसूची आयोजन करा है। रेलित अन्य दायित्व एसिसी लोक आहि आमाक धर्म और एसिसी विषय बुझाय और गिरजा भेटा दिया है और गस पुलियो आदि रोपण करा है। नाना जातिर प्रिय खाद्यबूर आलहीबूरक एसिसी ग्रुपबूरे जोगार लोवा हैछिल। एसिसी हुआर परा भुग्रजुली पेरिशर परिवार सकले बाइबल पाठ करिब पारिसे गिरजात भाग लय गिरजा चलाब परा हैछे। पास्का बरदिन परबतु सकलो काम जेने डेकोरेशनर परा आदि करी गिरजात नाच गान साफ चिकन সকলোৱে এসিসিয়ে করে। আজির রিপোর্টটো ইমানে আছিলে। মই ইমানতে অন্ত করিলো। সবকে জয় যীশু, জয় যীশু। সবংকো জয় যীশু, জয় যীশু। मेरा नाम इलियास क्रिकेटा उग्रजुली पेरिश सेन्ट्रेसा एसिसी ग्रुप का सदस्य हूं। हम इस पवित्र समय में बाइबल वचन द्वारा प्रभु यीशु को
आराधना स्तुति और उसका उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जब मैं बाइबल वचन को मन और हृदय से पढ़ता हूँ तो वचन मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं और एक सुंदर श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसी सी प्रार्थना करने के समय मेरे बीच ईश्वर का वचन आदान प्रदान होता है। मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन आता है। एक दूसरे के प्रति सेवा भाव, भाईचारा और प्रेम से रहना बाइबल मुझे सिखाता है। आज के सुसमाचार में मुझे एक वाक्य अच्छा लगा, वह है पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। हाँ, ईश्वर ही स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है क्योंकि उसने सब कुछ का सृष्टि की है और उसका अधिकार सब कुछ में है। ईश्वर ने मुझे जीवन दिया है। वही ईश्वर को जानने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त को हमारे बीच प्रकट होने दिया। यीशु के द्वारा मुझे लोगों को ईश्वर कितना प्रेम, दयालु, करुणामय और क्षमाशीलता है मुझे मालूम हुआ है। इसलिए यीशु कहते हैं, जो पुत्र को जानता है वो ईश्वर को जानता है, जो पुत्र को देखा है वही पिता को देखा है। मैं अपने जीवन में कभी कभी भूल जाता हूँ कि पिता ही स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। मैं अपने इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रयास किया हूँ, किंतु ईश्वर मेरा प्रभु है, मेरा सृष्टिकर्ता है और मेरा जीवन में संचालक है। बात को भूल गया हूँ और ईश्वर को स्तुति और धन्यवाद नहीं चढ़ाया हूँ, लेकिन एसीसी प्रार्थना द्वारा अनुदान के साथ मुझे ये शिक्षा मिली है कि ईश्वर मेरा और सबके प्रभु है। आइए हम वही प्रभु को पहचाने और सेवा करें, अपने विश्वास में दृढ़ बना रहे, रोज बाइबल वचन को पढ़े, एक दूसरे के लिए पढ़ना और जरूरतों के लिए मदद करे। इस वचन के द्वारा मैं हमेशा प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रयास करूंगा और रोज रोज वचन पढ़ने का निर्णय करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए दो सवाल रखता हूँ जिसके द्वारा एक दूसरे को सहायता करे और बोल सके कि ईश्वर ही हमारा प्रभु है। पहला, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहा है? आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपको क्या करने के लिए बुला रहा है? दूसरा, क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है जिसे आप आज या कल कर सकते हैं? क्या ऐसा एक छोटा सा भी चीज है जिसे आप आज या कल कर सकते हैं? हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा वचन किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे जिस स्वर्ग में है वैसे सभी भार हुए, हमारे प्रतिदिन का भार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपना कर्ज क्षमा करते हैं और हमको क्लेश में न डाल, परंतु दुष्ट से बचा। आमेन। मरिया
प्रार्थना करूं पापियों के पाप और हमारे मन के स्मरण में स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूं और उस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा जग में आए और कुंवारी भैया से जन्मे उन्होंने से शासन पर दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए मार गए और दफनाए गए वह तीसरे दिन मृत्यु गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे मैं पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मियों का सहभागिता पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ आमीन हे स्वस्थ पिता हमारे और दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रभु पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन शरीर और आत्मा और सलीबा को मैं तुझे चढ़ाता हूँ प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण
आशीष प्रदान कर, जीते हुए प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित निराश और असंतुष्ट है उन्हें शक्ति साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को विशेष कर हमारे प्रदेश धर्मराज सभी पुरोहितों धर्मदानों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। जो स्वर्ग में हमारे प्रतिदिन का हर आज हमें दे और हमारे प्रभु की क्षमा कर, जैसे हम अपने प्रभु को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु दुराई से बचा। हमें दाना मरिया दीपा प्राण प्रभु के साथ कर दुनिया की स्त्रियों में और दुनिया के द्रव का यीशु है। शांत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय में पिता और पुत्र और परिशुद्ध आत्मा बनाए हुए जय स्वामी के आगर नमस्कार। धन्यवाद
मोर मरमर ख्रीष्ट विश्वासी आहक आमी इतिया ए खेक मुहूर्त सकुए ईश्वरक धन्यवाद दी पिनी प्रार्थना करी आमी ईश्वर आशीर्वाद ग्रहण करूँ हक हे पितृ ईश्वर आमी तुमाक धन्यवाद जासिसु कारण आज ये प्रार्थना सभा तुम आम सकुके आशीर्वाद दिसे तुम आशीर्वाद आम अनुभव कर मरम स्नेह सको लोग मिलीजुली थकब पारिसे विनती प्रार्थना द्वारा आम शक्ति पासे जीवन पासे ये सकोबूर तुम आशीर्वाद और विशेषको ये प्रार्थना स्मल ख्रीटान कम्यूनिटी द्वारा आम एक आशीर्वाद पासी प्रभु आम सकुए आम तुम धन्यवाद जासी हे प्रभु आम तुम प्रार्थना करते आम जीवन जी तुम आम आशीर्वाद दी आमल ख्रीटान कम्यूनिटी प्रार्थना द्वारा आम सकुके एकगुट कर पिनी आम आशीर्वाद दिया आम सदा रक्षा कर तुम भल ली सदस्य हो पिने तुम भल कम तुम स्तुति प्रशंसा आम सकुके आशीर्वाद दिया प्रभु यू प्रार्थना आम तुम हाथ जासी और प्रार्थना तुम नाम आम प्रार्थना करे सकुए आम प्रार्थना द्वारा प्रभु जीशु धन्यवाद दी पिने आम ईश्वर प्रार्थना करूँ ये सकोब प्रार्थना द्वारा ईश्वर धन्यवाद दी आम प्रार्थना करीशुर नाम ईश्वर आशीर्वाद आम ग्रहण करूँ हक सकुए प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सारे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आदरणीय बिशप स्वामी फादरगण सिस्टरगण प्यारे माता पिताओं और भाई और बहनों सबको जय जीशु। जय जीशु। मैं सुरीता कुजूर फुग्रजुली पारिस की सेंट मोनिका एसीसी ग्रुप की सदस्य हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि ये दिन हमें मिला है ईश्वर की दया और कृपा से। सुंदर मौसम और ये प्रार्थना करने की मौका ईश्वर ने हमें प्रदान किया है। मैं हमारे बिशप स्वामी महामन्यवर माइकल आकाशी स्टॉपो जी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वे हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में हाजिर है। मैं एसीसी कमीशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के द्वारा से हमें इस परिस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना करने के लिए मौका मिला है। मैं हमारे पल्ली के पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर डैनियल मार्डी जी और हमारे सहायक पल्ली पुरोहित रेवरेंड फादर नथनियल नर्जरी को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्हीं की सहायता से आज की प्रार्थना समारोह अच्छी तरह संपन्न हुआ है। और मैं हमारे कॉन्वेंट के सुपीरियर सिस्टर एस्टर और कॉन्वेंट के अन्य सिस्टर गानों को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन लोगों ने आज की प्रार्थना समारोह को
सफल बनाने के लिए सुंदर रीति वेदी को सजाया है। मैं अन्य पल्ली की सभी फादरगण और सिस्टरगणों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज की प्रार्थना समारोह में भाग लेकर इस कार्यक्रम को मंगलमय बनाने के लिए मैं हमारे पल्ली की सभी एसीसी ग्रुप की सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ और साथ ही मैं हमारे छोटे भाई बहनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने भक्ति नृत्य प्रदर्शन करके आज की प्रार्थना समारोह को मंगलमय बनाया है। मैं विशेष रूप से उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने आज की प्रार्थना चलाने में और आज की कार्यक्रम में मदद किए हैं, जैसा कि मरिया गोरोती जो हम लोगों को प्रार्थना के लिए निमंत्रण दिए हैं, निर्नुस तिर्की जो आज की बाइबल की पवित्र वचन को पढ़ के सुनाए हैं, विजय टोप्पो जो आज की सुसमाचार के विषय में एक दो बात समझाए हैं, जूनियर एक्का हेड प्रचर जो हम लोगों को हमारे पारिस की एसीसी के रिपोर्ट सुनाए हैं, और एलियस केरकेटा जो बाइबल वचन के बारे आदान प्रदान करने के लिए हमें उत्साह प्रदान किए हैं। मैं फादर फ्रांसिस बाला जी को जो मतसीपुर पारिस के असिस्टेंट फादर है और आंसन कुजूर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन लोगों ने हमें मोबाइल के माध्यम से आज की प्रार्थना सभा में मदद किए हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने आज की इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लिए हैं। अंत में और एक बार आप सबों को धन्यवाद और जय जीसु। जय जीसु।